हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और वीडियो अविटा मेगस के ऊपर। 2020 में एक क्वेश्चन मुझसे सबसे ज़्यादा पूछा गया कि हम अविटा मेगस में स्क्रीनशॉट कैसे ले सकते हैं बिना किसी थर्ड पार्टी ऐप का यूज़ किए हुए। सो तरीका काफ़ी इजी है, काफ़ी लोगों को पता भी होगा, बट फिर भी काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन किया है तो मैं इसके ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ। सो दो ईजी तरीके हैं, एक कीबोर्ड का यूज़ करके और एक विदाउट कीबोर्ड का यूज़ करके। तो पहले मैं कीबोर्ड का तरीका आपको बता रहा हूँ। आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पे एक फंक्शन की की है और एक प्रिंट स्क्रीन है, ठीक है। कई बार ये सबसे इजी तरीका होता है, आप फंक्शन और प्रिंट स्क्रीन को एक साथ दबाएंगे और आप यहाँ पे स्क्रीन पे उस पोजीशन को रख लीजिएगा या उस स्क्रीन को रख लीजिए जिसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं। तो लेट्स अज्यूम कि मुझे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है, मैं फंक्शन दबाता हूँ, मैं प्रिंट स्क्रीन दबाता हूँ और ये मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, बट अभी मुझे दिख नहीं रहा है। सो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक ऐप ओपन करता हूँ जिसके ऊपर मैं पेस्ट करूँगा। तो मैं डिफ़ॉल्ट ले रहा हूँ पेंट ऐप को स्क्रीनशॉट लेने के बाद। आप चाहें तो एक्सेल पे भी इसको पेस्ट कर सकते हैं। सो ये मेरी ऐप खुल गई है एमएस पेंट की और मैं कंट्रोल वी कर देता हूँ पेस्ट करने के लिए, तो ये मेरा स्क्रीनशॉट यहाँ पे आ चुका है। अब आप चाहे इसको एडिट कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, आपको कोई टेक्स्ट अगर हाईलाइट करना है तो आप उसको ब्रश से अपना हाईलाइट कर सकते हैं, आपको एडिट करना है आप अपना स्क्रीनशॉट एडिट कर सकते हैं। उसके बाद आपको करना ये है, इस स्क्रीनशॉट को आप सेव कर लीजिए, आप इसको JPG या PNG जैसे भी सेव करना चाहते हैं। और ये मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट नाम दे देता हूँ इसको और ये मेरा स्क्रीनशॉट मैंने सेव कर लिया। चलिए देखते हैं ये स्क्रीनशॉट अपना सेव हुआ है कि नहीं है। मैं ऐप को बंद कर लेता हूँ और फोल्डर को ओपन करते हैं, देखते हैं कि क्या हमारा स्क्रीनशॉट सेव हुआ है। ये है हमारा स्क्रीनशॉट, ये हमने एडिटिंग करी थी इस पे थोड़ा सा, तो ये हमारा स्क्रीनशॉट हमको मिल गया है आराम से। सो ये तो वो तरीका था जिसमें हम लोगों ने कीबोर्ड का यूज़ किया। एक तरीका और है, अज्यूम कर लीजिए आपके पास आपका कीबोर्ड नहीं है, तब स्क्रीनशॉट आप कैसे ले सकते हैं, तो चलिए मैं आपको वो तरीका भी बता देता हूँ। सो फ्रेंड, इसमें आपको करना ये है कि सबसे पहले आपको जाना है टास्क बार पे और आपको लॉन्ग प्रेस करना है। जब आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये ऑप्शन आता है शो विंडोज़ इंक वर्कस्पेस बटन, आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये टिक लग जाएगा। यहाँ पे मेरा ऑलरेडी टिक लगा हुआ है क्योंकि मेरे को ये बटन ऑलरेडी इनेबल्ड है। सो इस वाले ऑप्शन को आप टिक कर लीजिएगा और जब जैसे ही आप टिक करेंगे ये आइकन आपको यहाँ पे दिखाई देगा, एक पेन की तरीके से आइकन जहाँ पे आप मेरी फिंगर, जब ये आइकन आपको यहाँ पे दिखता है तो आप ओपन कर लीजिए उस पेज को जिसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं। फाइन, जैसे मैं इस पेज का स्क्रीनशॉट लेने वाला हूँ और ये आइकन है। अब इस आइकन पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, वाइट बोर्ड एंड फुल स्क्रीन स्नैप। अगर आपको पूरा स्क्रीनशॉट लेना है तो हम फुल स्क्रीन स्नैप पर क्लिक करते हैं और जब इस पर हम लोग क्लिक करते हैं तो ये अपना इंटरफेस ओपन कर देता है, साथ ही आपको मिल जाता है आपका स्क्रीनशॉट। ये आपका स्क्रीनशॉट था। अब यहाँ पे आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, मान लीजिए आपको कोई लाइन को हाइलाइट करना है तो ये आपने हाईलाइट कर लिया, आपने कुछ ड्रॉ करना है आप ड्रॉ कर सकते हैं और ये आप आराम से स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको सेव कर सकते हैं जो भी आपकी फेवरेट लोकेशन है वहाँ पे। सो ये मैं वापस डाल देता हूँ इस पे और ये मैंने स्क्रीनशॉट को सेव कर लिया है। अब देखते हैं, इस ऐप को कर लेते हैं बंद, इसको कर लेते हैं मिनिमाइज और देख लेते हैं कि क्या हमारा स्क्रीनशॉट सेव हुआ है। और मैं वापस जाता हूँ यहाँ पे और ये है मेरा नया स्क्रीन और ये आप देख सकते हैं, ये है मेरा स्क्रीनशॉट, इस पर मैंने एडिटिंग करी थी। सो ये दो तरीके हैं जिनसे आप बड़े ही आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अविटा मेगस पे, एक विद कीबोर्ड विदाउट कीबोर्ड। आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जो भी आपकी और क्वेरीज हैं अविटा मेगस के बारे में, मैं कोशिश करूँगा उनके पर वीडियोस बनाने की। अगर आपको पसंद आया वीडियोस, लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।